जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी स्थित एक भवन में बिहार राज्य पेंशनर समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्घाटन जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन ने कहा कि समाज में जो पेंशनर कर्मचारी हैं उनसे मैं इस बैठक के माध्यम से सीखने का काम करता हूं। साथ ही पेंशनर समाज के लोगों ने कहा कि समाज में अभी भी पेंशन की आवश्यकता है, ताकि वृद्धावस्था में कोई भी सरकारी कर्मचारी को अगर पेंशन मिलता है तभी उनके बच्चों द्वारा भरण पोषण बेहतर ढंग से किया जाता है। पेंशन को लेकर सरकार के सामने प्रस्ताव रखने का भी बात कही। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। पेंशन एक सहारा है और ज्यादा मैं क्या कहूँ, सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ संक्षेप में। और पेंशन समाज की ओर से आप लोग दीर्घायु बने, स्वस्थ बने। हमारे जो भी पेंशनधारी 80 वर्ष है उनको कर्ज नहीं आ रही थी बेटी, ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये हमारा पेंशन समाज है और नहीं तो आज हम लोग को कोई पूछता नहीं। अब सबकी शर्मन कुमार बारी बारी से नाम को बुका रहे हैं। रमेश्वर शर्मा बैना कदम लिखेगा, अपना नाम लिखेगा बिल्कुल जरूर। बैंक वाले का नाम लिखने मास्टर को नहीं आता, कलम सबको दे रहे हैं। पड़ी ओझे पड़ी रही, ओझे पड़ी रही, वहीं ठीक है। संतोष आपका मुड़िया कट रहा है। रमेश्वर प्रसाद बेटा को समझाए जाने दिया के कहानी बताया। आज बिहार पेंशनर समाज के तरफ से मैंने हर साल ये लोग अपना कुछ मांग और एक जगह सब लोग जमा होकर के राय विचार करते हैं, उसी को लेकर के जहानाबाद के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी आमंत्रित किया जाता है और हम भी यहाँ आकर के अभिभावक स्वरूप अवकाश प्राप्त सभी सरकारी कर्मी, कोई शिक्षक हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई सभी विभाग से जो रिटायर होके आए हैं यहाँ इकट्ठा होते हैं। हम स्वयं हम कोई संदेश देने के लिए यहाँ नहीं आते हैं, हम उन लोगों से कुछ सीखने के लिए आते हैं। हमारा यही है कि हम आते हैं तो इन लोगों का जो वक्तव्य होता है उससे हम कुछ सीखें, उसी के सिलसिले में। और चूंकि इन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से जब हम सदन में जाते हैं तो इनकी जो समस्या है वो फिर से एक बार सरकार को आग्रह करना है, अनुरोध करना है और इनका जो मांग है कि फिर से पेंशन लागू किया जाए, ये सबसे मुख्य मांग है। इसको लेकर के हम पिछले बार भी बताए थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला था। इस बार हम सरकार को आगाह भी करेंगे। यही इनके भरण पोषण का, जैसा कि बैजनाथ बाबू बता रहे थे कि अगर पेंशन नहीं रहे तो बच्चा लोग देखभाल नहीं करेगा, ये तरह तरह की बातें हैं। तो ये सही बात है कि कम से कम उसी लोभ में इनका ख्याल लोग रखता है परिवार का लोग और अच्छा से जीवन बसर होता है। तो इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि फिर से पुनः पेंशन बहाल किया जाए और जो लोग अपना शेष जीवन बढ़िया से बीत सके इसका पूरा व्यवस्था किया जाए।